गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? हाय प्रोफेसर साहब, साथ में गुड मॉर्निंग। ये जो हमारा मानसून ट्रिप का ड्राइव था पूरा, आज उस मानसून ड्राइव का लास्ट ब्लॉग आ रहा है, आपने देख लिया होगा, लिंक भी आ रहा है ऊपर। कल हमने लोनावला से किया था अहमदाबाद, तो उसमें काफ़ी डिटेल किया है कि जिन लोगों को मुंबई से अहमदाबाद या अहमदाबाद के आगे जयपुर जाना है तो फर्दर है। आज का भी इम्पोर्टेंट ब्लॉग है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कमेंट में भी देखा है, लोग पूछते हैं कि अहमदाबाद से जयपुर का कौन सा रूट लें। तो अहमदाबाद से जयपुर की आपके सीधी बात बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं। आज का पूरा ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग होना है, ज़्यादा मस्ती कर नहीं रहे हम लोगों के घर पहुँचने की जल्दी है, पर रूट का पूरा डिटेलिंग आप लोगों को बताएंगे। बेसिकली आपको अहमदाबाद से दो रूट दिखाएगा, एक वाया उदयपुर होके दिखाएगा और एक दिखाएगा आपको आबू रोड पालनपुर होके। तो आप अगर इस सीरीज पे बने हुए हो, नहीं तो उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ। हमने जयपुर से अहमदाबाद किया था और बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि जयपुर से अजमेर तक में बहुत तगड़ा काम चल रहा है, आप वो रूट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद पालनपुर में भी आके काम चल रहा है तो फंस जाओगे आप। इधर आज जो ले रहे हैं ना, आज जो हमारा रूट होने वाला है, बेसिकली अहमदाबाद, देन हिम्मत नगर से बिच्छीवाड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर, क्योंकि हिम्मतनगर से उदयपुर भी दो रूट दिखाएगा। उसके बाद उदयपुर के बाद भी आपको ये रूट दिखाता है पूरा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, तो वो नहीं लेंगे आज हम लोग उदयपुर से भीलवाड़ा तक तो जाएंगे। भीलवाड़ा से अगर आप मैप में देखेंगे जीपीएस में, तो भीलवाड़ा से देवली तक मतलब टू लेन टाइप का रोड है, वो रोड लेंगे। थोड़ा रोड का कंडीशन हम लोग भी श्योर नहीं है, लेकिन जयपुर अजमेर में फंसने फायदा नहीं है। वहां से देवली आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, टोंक से जयपुर बहुत आसानी से, बहुत ही फर्स्ट क्लास रोड है वो, देखा हुआ है हम लोगों का, किया हुआ है वो, आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। से जिसको दिल्ली जाना है तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर दिल्ली से बॉम्बे आप कर रहे हैं आज की कंडीशन में, जब आपको उदयपुर अहमदाबाद भी करना है, तो आप दिल्ली से लेके लालसोट तक एक्सप्रेस हाईवे है। अगर इस वाले ब्लॉक के हिसाब से बोलूं तो देवली, टोंक और टोंक के बाद आप लोग लालसोट के लिए निकल सकते हैं एक्सप्रेसवे के लिए, फिर दिल्ली निकल जाइए, बजाय इसके कि जयपुर से आप दिल्ली जाएं पुराने रूट पे। फिलहाल इस टाइम में, जब तक कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनता नहीं है, जयपुर अजमेर का काम चल रहा है, जिसमें अभी लगभग साल भर लगना है और बहुत गंदी हालत है, लगभग साल भर लगना है। ये अगस्त 23 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि लगभग एक साल तक ये रहना है। तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। अहमदाबाद से हम लोग निकल लिए थे थोड़ी देर पहले, और कैसे निकले उसके टाइम लैप्स वगैरह आपको दिखाएंगे, डिटेलिंग रोड बाय रोड करेंगे। तेल भरवा लीजिएगा भाई लोगो, गुजरात नहीं तो ऑटो कट के बाद भी दिखाएंगे आपको। ये भी आज दिखाते हैं ब्लॉग में आपको कि ऑटो कट के बाद कितना आता है इस गाड़ी में तेल। फर्स्ट टाइम देखा इतना आता है, देखते हैं। फिलहाल तो अहमदाबाद निकल के 48 हमने पकड़ लिया, हिम्मत नगर दिखा रहा है लगभग 55 किलोमीटर इस जगह से जहाँ से हमने कनेक्ट किया है। टाइम हो रहा है 6:30, रूट कंडीशन आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद से हिम्मत नगर का पैच दिख रहा है, अगले पार्ट में आपको हम हिम्मत नगर से उदयपुर तक का पैच दिखाएंगे, तो आपको रोड कंडीशन पूरी दिखाएंगे। अभी तक रोड एकदम फर्स्ट क्लास मक्खन है, मस्त चल रहे हैं, सुबह 6 बज रही है, ज्यादा ट्रैफिक है नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं हिम्मत नगर, उदयपुर से हिम्मत नगर एकदम मक्खन रोड, कोई इशू नहीं। 1 घंटे में ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर आ गए हैं, बहुत आराम से आ रहे हैं। क्रूज पे लगा रखी गाड़ी 80 पे एवरेज के लिए। फिलहाल यहाँ से राइट टर्न लेंगे NH 48 पे और निकलेंगे आगे। यहाँ तक का रोड एकदम परफेक्ट है भाई लोगों, जिसको पेट्रोल भराना है यहाँ भरा लेना, एक ये एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ अराउंड 96 का आपको मिलेगा पेट्रोल और आगे जाके मिलेगा 108 राजस्थान में, जो कि बहुत महंगा है, इसलिए अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करा लेना हिम्मत नगर में। फिलहाल तो पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं ताकि गाड़ी बिल्कुल ऊपर तक टिप टाप करा लें, उसके बाद निकल पड़ेंगे। 97 रुपीज फुल करा रहे हैं अभी तो, चकाचक प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे हैं भाई इसकी, गणित की, और पेट्रोल भर रहा है। हिम्मत नगर से भी आगे 50 किलोमीटर तक गुजरात है, आप थोड़ा और आगे भी भरवा सकते हैं, क्या दिक्कत है। 30 लीटर पे ऑटो कट हुआ था दोस्तों, बिल्कुल ऊपर तक भरवा रहे हैं जब तक टपक नहीं जाए। 30 लीटर 5 पॉइंट ही खाली बाकी था अपना।
पाँच पॉइंट ही बाकी था, पाँच बाकी है 30 लीटर में, और अभी हो गया है 38 लीटर, 8-9 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है भाई। 30 लीटर आया था, ऑलमोस्ट 13 लीटर एक्स्ट्रा आया टिप ऊपर तक भरने में। हिम्मतनगर में पेट्रोल भराया हम लोगों ने दोस्तों, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 97 रुपीज कुछ पैसा था और राजस्थान में 108 रुपये, तो 11-12 रुपये का फर्क है टोटल। और आज हम लोगों ने इसको बिल्कुल ऊपर तक लबालब बिल्कुल जितना आता है ना उतना भरवा दिया इसको, मतलब टपकाया नहीं बाहर क्योंकि एक लिमिट के बाद हम ही हार मान गए। पर 29 लीटर पे ऑटो कट हुआ था और लगभग 42 लीटर जाके पूरा हम ही लोगों ने बोला कि आप बंद कर दो क्योंकि पता नहीं भाई गिर गुरा जाए था। बाकी अगर कोई आ रहा है, अगर बिल्कुल और भी लवालब कराना है, फर्दर आगे जाना है, तो हिम्मतनगर से भी लगभग 50 किलोमीटर आगे सामला करके गांव है, वो लास्ट बॉर्डर गांव है, वहां तक आप पेट्रोल भरा लीजिए। हम लोगों ने तो भरा लिया क्योंकि पेट्रोल अगर खाली रहता है तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है इधर उधर। हिम्मतनगर से उदयपुर के रूट पे भी कई जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है, अभी आपको एक टाइम लैप्स में दिखाऊंगा मैं आगे कि किस टाइप से काम चल रहा है, लेकिन जाम नहीं है क्योंकि ट्रैफिक कम है, जाम नहीं है। अभी जैसे जिस जगह से हम निकल रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग है, तो यहाँ तो फ्लाईओवर बना नहीं है, लेकिन कई जगह यहाँ पे भी काम चल रहा है। बट अच्छी बात क्या है कि आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, आप बहुत स्मूथली निकल जाओगे। यहाँ रुके हैं हम लोग हिम्मतनगर से निकल, काफी बड़ा है, कुछ बाइकर्स गैंग भी है यहाँ पे, वो खड़ी अपनी गाड़ी, हाईवे हो रहा सामने, नाश्ता करेंगे निकल जाएंगे। पॉइंट पे रुके थे 10-15 मिनट, अच्छा है, और चार्जिंग पॉइंट भी है जिनके पास ईवी है। हिम्मतनगर के आगे आता है ये पॉइंट थोड़ा सा, आप डीसी चार्जिंग पॉइंट, डीसी चार्जिंग पॉइंट है, फास्ट करता है 45 मिनट गाड़ी फुल। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जहाँ कहीं भी पॉइंट मिलता है मजा आ जाता है। गाड़ी का कलर देखो यार दोस्तों, ये गाड़ी कलर जो है ना ये बताती है कि गाड़ी आ कहाँ से रही है, कितनी लंबी रोड ट्रिप हुई है। फिलहाल हम लोग अभी उदयपुर दिखा रहा है 130 किलोमीटर रिमेनिंग लगेगा टाइम, आराम से चल रहे हैं भाई, घर जा रहे हैं बस, आराम से पहुंच रहे हैं। शामला जी जो आ रहा है ये गुजरात बॉर्डर का लास्ट गांव है, जैसी सीनरी हम लोनावला खंडाला में छोड़ के आए वैसा ही कुछ नज़ारा इधर आ रहा है भाई, मस्त वाला एकदम। इस रोड पे जो हिम्मतनगर के आगे पीछे मतलब हिम्मतनगर से उदयपुर की तरफ भी और हिम्मतनगर से अहमदाबाद की तरफ भी, वहीं फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, कहीं कहीं जाम कहीं नहीं है, बाकी तो रोड बहुत ही बढ़िया है यार। ये तो मतलब उधर से आए थे हम उस दिन, पालनपुर फंस गए थे, फिर जयपुर अजमेर, तो भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ वेट करिएगा प्लीज। इस रूट के राजस्थान वाला पोर्शन जो है रोड एकदम बढ़िया है, काम कहीं नहीं चल रहे हैं, और सीनरी अगर आप लोगों को दिखाएं तो सीनरी भी बहुत ज़ोरदार है, ये टिल ऐसी सीनरी आपको मिलनी है उदयपुर तक मिलेगी सीनरी, उसके बाद अलग बात है, बट टिल उदयपुर तक आप खुद ही देख लीजिए रोड कितना शानदार है, ऑलमोस्ट 6 लेन हाईवे हो गया अब तो पूरा का पूरा, एकदम फर्स्ट क्लास है। गाड़ी क्रूज पे लगाइए, मस्त रहिए, अपनी प्लेलिस्ट तैयार रखिए, मस्त गाने सुनिए, मस्त ही मौसम हो रखा है बारिश का, बहुत ही बढ़िया है। लोग उदयपुर के आउटर पे आ गए हैं लगभग, और अगर मोटा मोटी मैं इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो दिखाता हूं आपको, अभी हम लोगों को हो गया अराउंड 232 किलोमीटर, 3 घंटे 44 मिनट, एवरेज भी बढ़िया आया है 17.7, प्रोफेसर साहब ने बहुत मस्त गाड़ी चला रखी है, तो मेरे हिसाब से 3-3.5 घंटा अगर आप बहुत खींच के लाओगे गाड़ी तो 3-3.5 घंटे में बहुत आराम से आ सकते हो, हम लोग तो बहुत ही आराम से आए हैं। एंट्रिंग में अभी देखा एक जगह काम चल रहा है अभी उदयपुर बाईपास बनने का, उदयपुर की एंट्रिंग में जाम है, और जाम अगर दिखाऊं तो लंबा जाम है। उदयपुर की एंट्रिंग में अमरगढ़ रिजॉर्ट के सामने काम चल रहा है फ्लाईओवर का, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, अभी फिर रोड ठीक हो गया है,
ये उदयपुर का बाईपास है एक तरह से, कुछ इस टाइप से रहेगा। हम लोग ये बार बार जाके NH-27 पकड़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने NH-27 पकड़ लिया है। अगर कोई उदयपुर में किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ का जो एयरपोर्ट है दबोक एयरपोर्ट, आप वो रोड पकड़ सकते हो। वो बेसिकली NH-27 पे ही है। अभी दिखाएंगे आगे, अरे राइट में दबोक का एयरपोर्ट निकल रहा है। अभी जब भी उदयपुर से निकलेंगे पहले आएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एंट्री नहीं करेंगे अनलेस एंटिल आपको अगर चित्तौड़गढ़ रुकना है तो अलग बात है। इधर से अगर कोटा निकलना है तो चित्तौड़ से ही टर्न करना पड़ेगा और हम लोग चित्तौड़ बाईपास होते हुए भीलवाड़ा तक जाएंगे। रूट एकदम बढ़िया है बिल्कुल। अभी आपको थोड़ा रिपेयर लग रहा होगा लेकिन स्टिल काफ़ी बेटर रूट है ये, बहुत ही बेहतर रूट है। एक टाइम लैप्स में दिखाते हैं आपको इस रूट। यार जब भी मैं ऐसी गाड़ी देखता हूँ ना, आए हाय बहुत दूर से आई, कितनी खुशी, कितनी खुशी भाई साहब। गाड़ी देख रहे हो आप, लाइट दिख रही है थोड़ी सी। ये उदयपुर से भीलवाड़ा का जो रास्ता है वो इस टाइप से है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि फेंसिंग की हुई है अनलेस अंटिल, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम फेंसिंग कर रखी है दोनों तरफ, तो आपको फालतू का डिस्टर्बेंस या ट्रेसपासिंग मिलने के चांस थोड़े कम है। रोड बहुत शानदार है। स्टिल चित्तौड़गढ़ तक ये सीमेंटेड वाला रोड है, तो जो लोग बहुत शौकीन है रोड ट्रिप के या कार पसंद करते हैं उनको पता है इस रोड पे गाड़ी आपकी थोड़ी आवाज़ करेगी। आगे वाले रोड सारे टर्मैक वाले हैं, एकदम साइलेंट चलने वाली है मक्खन वाली। रोड पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। कभी देखिए बकरे की लड़ाई, ये गजब सी लड़ाई बीच रोड में भाई अलग आया एक बकरा और आगे इनके बीच। इस टाइप से अगर राइट जाएंगे तो कोटा की तरफ है और हम लोग चढ़ गए हैं ऊपर, ये निकल जाएगा भीलवाड़ा की तरफ। दूसरा रास्ता गया कोटा की तरफ। चित्तौड़ रुकेंगे नहीं हम लोग, निकलेंगे सीधे। अभी हम लोग भीलवाड़ा से तो निकल गए हैं। भीलवाड़ा निकलने के बाद लगभग 8 किलोमीटर बाद मांडल एक जगह पड़ेगी। वो मांडल से आपको राइट टर्न करना है। नेक्स्ट आपका मांडल से, मांडल में एंट्री से पहले ये बोर्ड दिखेगा आपको, बनेड़ा शाहपुरा। हमें भी बनेड़ा शाहपुरा जहाजपुर देवली ये रूट पकड़ना है। बस अभी हम ये छोड़ रहे हैं एक्सप्रेसवे। ये जो NH-48 दिख रहा है आपको, इसको छोड़ रहे हैं। लिखा हुआ देखो यहाँ बनेड़ा के लिए घूमे दिल्ली अलवर जयपुर जहाजपुर। दिल्ली इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ से आप टोंक देवली वाले रूट से एक्सप्रेस हाईवे बहुत जल्दी एक्सेस कर लेंगे, जो कि जयपुर, जो कि अजमेर साइड से जाके नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको जयपुर से दौसा की तरफ आना पड़ेगा। ये जहाँ से मांडल से हमने बनेड़ा का रोड पकड़ा है ये कुछ इस टाइप का है बनेड़ा का रोड, तो आई थिंक फेयरली इनफ है ये रोड। जब तक कि जयपुर अजमेर वाला काम नहीं हो जाता है ये रोड तो एडवाइजेबल है। शाहपुरा तक कुछ इस टाइप का रोड मिलने वाला है। हम लोग ये शाहपुरा से निकल रहे हैं। मांडल जहाँ से हमने वो NH-48 छोड़ा था वहाँ से लगभग ये 35 किलोमीटर है। ये शाहपुरा से हम लोग आ गए हैं। पहले बोल रहा है स्टॉप, लुक लेफ्ट लुक राइट ऑल ओके। ये शाहपुरा जहाजपुर वाला नेशनल हाईवे है। ये इस टाइप का नेशनल हाईवे है तो कोई बुरा नहीं है भाई, मस्त हाईवे है ये। शाहपुरा से जहाजपुर तक तो यही मिलना है। हम लोग जहाजपुर पहुंच गए बाईपास से और ये वाला रूट पकड़ेंगे यहाँ से जो कि जा रहा है जहाजपुर देवली रोड है। तो लगभग मांडल से जो टर्न हुए थे लगभग 70 किलोमीटर हम लोग आ गए। भाई आपको बताते हैं देवली तक अराउंड 90 किलोमीटर वाला पैच है ये पूरा भीलवाड़ा मांडल से देवली तक। और जिनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना है अहमदाबाद की तरफ से रहे हैं या उल्टा हो रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं तो ये रूट लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इतने बड़े रूट में हार्डली 90 किलोमीटर कोई मैटर नहीं करता, वो भी इस टाइप का रूट। जहाजपुर से देवली का रोड है ये, अराउंड 20 किलोमीटर इस टाइप के रोड पे चलना तो कोई बुरा नहीं है भाई। 4 लेन कोटा जयपुर नेशनल हाईवे हम लोगों ने पकड़ लिया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 52 है।
यहाँ से 170 के आसपास दिखा रहा है जयपुर, जैसा कि ये रोड किया हुआ है मेरा, अराउंड 1.5 आवर लगेगा जयपुर का ओनली। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो है कि देवली से टोंक तक आपको गाय बहुत मिलेगी, तो अगर आप चला रहे हैं तो कोशिश करिए सावधानी से चलाएं, या फिर अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत जल्दी है तो आप इस वाली लेन में चला सकते हैं। गाय वगैरह काफ़ी है तो आप रिस्क ले नहीं सकते हो अगर बहुत लंबे ट्रिप में चल रहे हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली। अब ये देखिए गाय वगैरह यहाँ काफ़ी हैं, मतलब उतरती हैं गाय वगैरह दोनों तीनों साइड से। अगर आप लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पकड़ना है तो लगभग देवली से 100 किलोमीटर आने के बाद ये जगह पड़ती है कोथून। अभी दिखाएंगे अभी सामने, कोथून से आपको जाना पड़ेगा इस तरफ टूवर्ड्स लालसोट, और लगभग 35 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा, और ये रोड बहुत अच्छा है। तो जो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं ये वाला सर्किट कर सकते हैं। ये यहाँ से कोथून कटेगा, लालसोट 40 है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे आपको 30 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा, और बाकी जयपुर अगर कोई सीधा जाता है तो 57 किलोमीटर है। इस रूट से अगर दिल्ली जाना है तो टूवर्ड्स लालसोट आप टर्न कर लीजिए कोथून से। कोथून का फ्लाईओवर है ये जो दिखा रहे थे आपको, आप बिल्कुल फ्लाईओवर पे आ गए। ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे से राइट से जाता है रास्ता, एकदम से राइट से जाता है, दिखाता हूँ मैं अभी आगे। तो और रह गई थी, आप दौसा होके अगर कोई उदयपुर से आ रहा है और आगरा जा रहा है, या अहमदाबाद से आके आगरा जा रहा है, तो ये रूट यूज कर सकते हैं। ये जो हाईवे गया है इधर से, ये सीधा आपको आगरा रोड पे मिलाएगा, फिर आप आगरा रोड से सीधे निकल सकते हैं आगरा की तरफ। और इन केस अगर आप एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं तो भी आपको दौसा के आसपास कट मिलेगा एक्सप्रेस वे का, जिससे आप निकल सकते हो। ये कोथून वाला फ्लाईओवर है, इसके नीचे से राइट जाने पे आप निकल जाओगे। हम लोगों को जाना है स्ट्रेट, इसलिए जा रहे हैं सीधे जयपुर, और जिधर ट्रक गया है उस तरफ आप लोगों को टर्न करना है अगर दिल्ली जाना है तो। मतलब फाइनली 9 दिन की ट्रिप के बाद पहुंच गए प्रोफेसर साहब, जिन्होंने पूरी ट्रिप को जीवंत रखा, मतलब लाइवली रखा, उनको ड्रॉप कर रहे हैं। 9 दिन का ट्रिप था यार, बहुत ही मेमोरेबल था, बहुत सारी यादें लेके आए हैं भैया, बहुत मजा आ गया, सब बढ़िया, गजब, सब गजब, सब गजब, सब गजब, गजब। लास्ट में यही रहेगा, सब गजब, सब गजब, मजा आ गया बस। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं ना। साहब को छोड़ ही दिया, जयपुर पहुंच गए हम लोग, 10 घंटे की ड्राइविंग, टोटल 12 घंटे की ड्राइविंग। अहमदाबाद से जयपुर का, और अहमदाबाद से अगर आगे जा रहे हैं दिल्ली, वाइस वर्सा टाइप का रूट आज बताने का एक्सप्लेन किया। 8-9 दिन का ये ट्रिप था, 8 दिन का ये ट्रिप था, मज़ेदार ट्रिप था। 3 दिन प्योरली ट्रेवलिंग थी, 5 दिन एक्सप्लोरिंग थी जगह। मानसून ड्राइव करके प्लान किया था, और टिपिकल मानसून ड्राइव करके आए, मज़ा आ गया। गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नॉट अ सिंगल ग्लिच, ना पंचर ना कुछ क्या करके। और अगर ट्रिप का एवरेज दिखाऊं सामने वाले कैमरे से, ट्रिप का एवरेज है मतलब टोटल ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर, 71.29 आवर्स की ड्राइविंग, और एवरेज देखिए यार, पेट्रोल में सेल्टोस का एवरेज है ये। बेसिकली एवरेज कल परसों तक खराब था, लेकिन लोनावला से अहमदाबाद और अहमदाबाद से यहाँ आने में अच्छा हो गया, पर ओवरऑल एवरेज देखें तो ये एवरेज दिया ट्रिप ने। आपने अभी तक सारे वीडियोस देख लिए होंगे, कोशिश की है एक अच्छे से वीडियो सीरीज बनाने की, मज़ेदार बनाने की। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत थक गए हैं आज भैया, 2 दिन से ड्राइव करके लोनावला से जयपुर आए हैं, पहुँच गए, 5 मिनट में घर आ जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़, लाइक कमेंट ऑल्सो जरूरत है यार आप लोग। थैंक यू।